रियल बात बताऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ रियल ओपिनियन जाता है मेरा, जो भी जाता है। वाइब कितनी ज्यादा डिफरेंट हुई है ना, कि वहां पर मतलब मेरी कक्षा मतलब ले रहा था, वक्त मेरी ले रहा था, और 10वीं क्लास भी मेरी ले रही थी, है ना। पैसा होगा ना, सब आपके जिगरी होंगे ही होंगे, मतलब पैसा बाप है सबका, समझ रहे हो। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, रैंडम इलेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। सो मैं आप सबके सामने गाना लेके आया, गाने का ब्रेकडाउन लेके आया हूँ। अगर आप थंबनेल लेके आओ तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, हम यहाँ रियल हिप हॉप को सपोर्ट करते हैं। एंड अगर आपको बिलीव नहीं होता तो जाके चेकआउट मारो मेरे चैनल पे। एंड ये जो कर रहे हैं ये भी रियल हिप हॉप एंड रियल आर्टिस्ट है मेरे चैनल पे, जिसके हम वीडियो करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, होप्स अगर आपको चैनल पे चीज़ें पसंद आएंगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर आप नए नए आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो मेरे साथ मिलकर, सो तैयार हो जाओ इस जर्नी के लिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। होप्स आपने सब्सक्राइब कर भी रखा होगा। एंड देख लो गाने का नाम क्या है, गाने का नाम पढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। गाने का नाम है अपने बारे, एंड बिग डी का गाना है, बिग डी एंड कलाकार, हाँ ठीक है, नया आर्टिस्ट है, आई डोंट नो, सुपरस्टार बीट्स, काफ़ी अच्छी बीट्स बनाते हैं, मैंने पहले भी बीट्स सुन चुका हूँ इनकी, ठीक है। एंड लिरिक्स वीडियो है, बाकी बिग डी के चैनल पे है, बाकी सुनते हैं यार। आई डोंट नो कि गाना कैसा है, मैंने पूरा नहीं सुन पाता, मैं तुम्हारे चक्कर में गाना नहीं सुन पाता। एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड और क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है भी, पूरा मीन्स पूरा, पूरा मीन्स पूरा, ये अच्छा कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। लिरिक्स वीडियो है भाई। कलाकार हाँ, चल। सुपरस्टार, व्हाट द फक हैव यू क्रिएटेड मैन। आज जाके पता लगा अपने बारे में, खुशी खोज रहा गम के क्योंकि नारे में, लाके कोशिशें करी कि रात छोड़ दो पर धीरे धीरे मजा आया चला जब सितारे में। आज जाके पता लगा अपने बारे में, छोड़ दूं पर धीरे धीरे मजा आया चला जस सितारे में। सात रात दी हर रात भी कुछ खास नहीं, जो खास था वो पास नहीं, वो रास्ता भी याद नहीं, पता नहीं कैसा आदमी ये लोग मुझको बोलते। पांचवी की कक्षा में था, आठवीं का बोझ ले सिखा। जब मेरी एज थी कि पांचवी में पढ़ूं, बट मैं आठवीं का मतलब आठवीं कक्षा का लोड ले रहा था अपने सर पे, मतलब मैंने स्टडी बहुत जल्दी कंप्लीट करी। एंड यार एक बात बताऊं भाई, रियल बात बताऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ रियल ओपिनियन जाता है मेरा, जो भी जाता है, कि हुक में काफ़ी ज़्यादा ऑडियो ट्यून है और इसमें मतलब गाने के अंदर ऑडियो ट्यून काफ़ी ज़्यादा है। आई नो कि गाने को अलग बनाया गया है, बट हर किसी का माइंडसेट सेम नहीं होता ना, आपको ही पता है। तो ये सोच के बनाया करो कि आपकी जनता को कैसा लगेगा, बस और कुछ नहीं बोलना चाहता। सात रात दी हर रात भी कुछ खास नहीं, जो खास था वो पास नहीं, वो रास्ता भी याद नहीं, पता नहीं कैसा आदमी ये लोग मुझको बोलते। पांचवी की कक्षा में था, आठवीं का बोझ ले सिखाया माँ की गोद ने, ये लोग अपने लोभ में कलेश कुछ का है सोभा पर उसके सर पे थोप दे। ये बात तब की जब थी कक्षा दसवीं कश्मकशी, न जाने मैं ही कुछ न जिंदगी की मुझ पे हंसी, लाख गम पड़े थे क्या करूँ फिर रो लूं मैं ये अपने आंसुओं। वाइब कितनी डिफरेंट हुई है ना, कि वहाँ पर मतलब मेरी कक्षा मतलब ले रहा था, वक्त मेरी ले रहा था, और 10वीं क्लास भी मेरी ले रही थी, है ना, 10वीं क्लास ले रही थी ना, और उसके बाद अचानक से बंदा सैड हो गया, सुन लो। कश्मकशी, न जाने मैं ही कुछ न जिंदगी की मुझ पे हंसी, लाख गम पड़े थे क्या करूं फिर रो लूं मैं या अपने आंसुओं से खुद को ही पिरो लूं मैं। जख्म कुछ कम पड़े तो तुम ही और दे देना, पाने को तो कुछ नहीं बस चैन से ही खो लूं मैं। आज जाके पता लगा अपने बारे में, खुशी खोज रहा गम के क्योंकि नारे में, लाके कोशिश करी की रात छोड़ दो पर धीरे धीरे मजा आया चला बातचीत ऐसी बोली गई है ना कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। एंड मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, जो आपको समझ में आएगा तो ना उसे क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। एंड हुक में कुछ ऐसा बोला कि मैंने सोचा कि मैं अब रैप छोड़ दूँ पर धीरे धीरे मज़ा आने लगा और मैं सितारे पर पहुँच गया, समझ रहे हो, मतलब कि हाइप मिल गई मेरे को उस तरीके से जिस तरीके की मुझे चाहिए थी, थोड़ी सी मिली है बट जितनी मिली है उतनी बेस्ट है। और ये मेरे नए आर्टिस्ट हैं तो होप सो आप इन्हें पसंद करोगे, और सारे आर्टिस्ट नए यार वैसे तो, और मेरे लिए नए नहीं है, आपके लिए नए। लाके कोशिश करी कि रात छोड़ दूं पर धीरे धीरे मजा आया चला जस सितारे में। बुरा वक्त देखा कोई देता साथ नहीं, सब तेरे जिगरी जो जेब का है भर सही, खोल आंख देख कैसे पूछे हर सही। मुझे पिछले लाइन का मतलब आप लोगों से सुनना है, मतलब अगर आप कमेंट में बता दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी बता रहा हूँ। कमेंट में तो आप बताओगे नहीं क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते,
भाई इतने ज्यादा व्यूज आ रहे हैं लेकिन कमेंट करते ही नहीं हो, वीडियो को लाइक करते नहीं, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, व्यूज पे व्यूज आ रहे हैं, मजा कहां से आएगा? तो पीछे की बात नहीं, सब तेरे जिगरी जो जेब का है बाहर से, सब तेरे जिगरी होंगे जब जेब का है बाहर से, जब आपका पैसा होगा ना सब आपके जिगरी होंगे ही होंगे, मतलब पैसा बाप है सबका, समझ रहे हो, पैसा सबका बाप है, बट कुछ खास खास रहते हैं, कुछ पास हमेशा पास रहते हैं, जो जेब का है बार सही कौन देख कैसे पूछे हार सभी पे चढ़ाना हार माननी है हार नहीं बुरा मैं ठीक ना मैं लाख बार चीखता सिखाया वक्त ने ना पढ़ना मुझे वीरता ना चूकता जरा भी है निशाना ये सटीक साथी में ना जीना अब तो वक्त से भी जीतना जीतना तो जीत के ही जाना मुझे जीत जैसे तभी ये काम आर पार पूरा लिख देते म्यूजिक बीमारी तभी लड़के हमें सीख बेटे कैसे पन्नों पे खुद को लिख देते अभी तो म्यूजिक बीमारी तभी तो हमें सीख बेटे कि कैसे हमें लिखते यार रियली बिग डी की आवाज़ पता कैसे लग रही है मेरे को बिग डी की आवाज़ लग रही है लाइक हरजश तुम सब जानते हो यार हरजश को हर कोई फॉलो करता है यार सो भाई भी सीख बेटे कैसे पन्नों पे खुद को लिख देते अभी तो बहुत बातें बाकी है वो साथ नहीं देगा हाँ जो आपका ये साथी है वो चाहते हैं कि कैसे इसे और नीचे ला दे खत्म करो गुस्सा इन्हें फूंक कर जो लाके वो लोग टांग पड़े कैच पे बिग शॉट आउट टू सिंस्टा प्यारी वाइब कह सकता हूँ इसे मैं क्योंकि मैं आखिरी सुनता हूँ चिल है ये कब आया भाई सुना है मैंने गाना आई थिंक बट यार रियली आई लव दिस सॉन्ग यार अगेन मतलब मेरे आर्टिस्ट पहले आर्टिस्ट से सबसे बड़ी बात ये है हिप हॉप कर रहे हैं रियल हिप हॉप कर रहे हैं एंड इट्स लाइक वो कि जो भी कर रहे हैं ना बहुत प्यारा कर रहे हैं बहुत खतरनाक कर रहे हैं एंड इस गाने का लिंक कहाँ मिलेगा बताया था स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन में जाओ और इस गाने को प्यार दो ठीक है एंड अगर आप रियल हिप हॉप सपोर्टर हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और इस वीडियो को लाइक करना और भाइयों को फॉलो करना मत भूलना एंड मैंने भी सब्सक्राइब कर लिया चैनल आप लोगों के सामने ये नहीं कि मैं बाद में करूँगा आप लोगों के सामने ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप भी करो यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई का चैनल सब्सक्राइब करो आप सबको सपोर्ट की ज़रूरत है ब्रो जो भी हो आप सामने मेरे इस वक्त आप बहुत खूबसूरत हो इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई कर लो और आप हिप हॉप सपोर्टर हो तो आप समझदार भी हो कि किसको सपोर्ट करना चाहिए किसको नहीं एंड मिलते हैं अदर वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट करके बता देना क्या खामी है क्या अच्छी बात है और किस पे रिएक्शन करें मिलते हैं अदर वीडियो में अब तक के लिए बस इतना ही कम पड़े तो क्या करूं फिर रोलू मैं या अपने आंसुओं से खुद को ही पिरोलू मैं जख्म कुछ कम पड़े तो तुम ही और दे देना हाँ पाने को तो कुछ नहीं बस चैन से ही खोलू मैं आज जाके पता लगा अपने बारे में खुशी खोज रहा गम के क्योंकि नारे में लाके कोशिशें करी कि रात छोड़ दूं पर धीरे धीरे मजा आया चला जब सितारे में